स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस खास प्रस्तुति में। मैं हूँ भावना गुलाटी नैयर। और मैं हूँ प्रीति सिन्हा। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एक लहर सी चली हुई है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 4 साल पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, कल इसकी चौथी वर्षगांठ है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरा विश्व मनाता है। भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की भारतीय संस्कृति। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 4 सालों की एक झलक। योग भारत की प्राचीन विरासत है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का कार्य होता है। हिंदू धर्म का योग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी आदि योग के माध्यम से ही हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या में लीन रहते थे। योग हिंदू धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। लंबी आयु, सिद्धि और समाधि के लिए योग किया जाता रहा है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में फैला। इस समय सारे सभ्य जगत में लोग योग से परिचित हैं। योग के महत्व को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 59वें सत्र में अपने भाषण में की थी, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस की आम सभा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक में बहुत सारे लोग योग करते थे, करवाते थे, अपने पालस चलाते थे, लेकिन जिस तरीके से भारत की मोहर इस पर लगी है और पूरे विश्व ने जो है हमें वो स्थान दिया विश्व गुरु वाला योग की दृष्टि से, जो कि पहले नहीं मिला था। सबको पता है कि ये पुरातन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हमारी अगर पहली हड़प्पा की आप सील देखते हैं तो वो भी योगी मुद्रा की सील है, जिसमें शिव बैठे हैं तमाम सृष्टि के साथ। तो सबसे पुरानी सील पूरी सभ्यता में पाई गई उसमें योगी की सील हो, और 2014 तक का समय एक बहुत बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन जो मान्यता 2014 में और उसके बाद भारत को मिली है वो बहुत महत्व रखती है। 21 जून 2015 ये वो तारीख है जो स्वयं ही एक यादगार तिथि बनकर इतिहास का हिस्सा बन गई है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज हुआ और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। दुनिया के 192 देशों के लोगों ने भारत की प्राचीन विरासत को अपनाया तो हर हिंदुस्तानी का मस्तक ऊंचा हो गया। पूरा विश्व जब एक साथ सूर्य नमस्कार और अन्य योगासनों के जरिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के इस अभियान से जुड़ा तो हर एक भारतवासी के लिए ये अद्भुत एहसास का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से आज भारत की इस प्राचीन विरासत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में
जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को जब 192 देशों ने अपना समर्थन दिया तो यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। विश्व स्वास्थ्य और विदेश नीति की कार्यसूची के तहत इसे अंगीकार किया गया। इसके साथ ही 177 देशों ने इसका सह प्रायोजक बनना स्वीकार किया। सबसे खास बात ये रही कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 75 दिन में ही पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रस्ताव के पारित होने का सबसे कम समय है। सत्ता में आने के बाद पहली बार यूनाइटेड नेशंस में जाना और वहां जाकर योग की बात करना, ना केवल भारत के कल्याण की बल्कि विश्व कल्याण की बात करना, ये बड़ी बात है और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकारा। 170 से ज्यादा देशों ने रेजोल्यूशन को आम सहमति से स्वीकार किया और ना केवल इसको 21 जून वाले दिन भारत में मनाया जाता है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग कोनों में मनाया जाता है। अगर योग के शाब्दिक अर्थ को समझा जाए तो योग संस्कृत धातु युजा से निकला है, जिसका मतलब है व्यक्तिगत चेतना या सार्वभौमिक चेतना, या फिर इसे रूह से मिलना भी कहा जा सकता है। योग का एक भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की सभ्यता जब से पाई जाती है तब से वेदों और पुराणों में योग की महिमा गाई जाती है। लेकिन प्रीति, इसे योग को सिर्फ शारीरिक गतिविधि से भी जोड़कर नहीं देख सकते। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि योग का असल भाव है क्या। योग विश्व इतिहास का सबसे पुराना विज्ञान है, जिसने व्यक्ति के आध्यात्मिक और शारीरिक क्रियाकलापों के लिए नए द्वार खोले। अब ये सवाल उठता है कि योग का जन्म कब हुआ। वेदों और जैन ग्रंथों में योग का वर्णन मिलता है, लेकिन फिर भी योग इससे पहले भी विद्यमान था, भले ही वो किसी ग्रंथों में ना लिखा गया हो, क्योंकि ऋषि परंपरा के कारण योग का ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा होगा। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ जुड़ना या मिलना होता है, लेकिन यह बहुत विस्तृत ज्ञान है, क्योंकि इसके सभी कर्म और क्रियाएं मनुष्य को शारीरिक और आत्मिक रूप से पूर्ण योगी बनाती हैं। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। वेदांत के अनुसार आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन होना ही योग कहलाता है। मुझे लगता है कि व्यक्ति की अंतरात्मा अगर जुड़ी हुई है व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ, तो हाथ सही जगह चलेगा, कदम सही तरफ उठेंगे, और जब हाथ कदम नज़र सब सही तरफ चले तो व्यक्ति जो है आध्यात्म के रास्ते को लेकर अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसका गुजर बसर कर सकता है, और वही बदलाव जो है समाज में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का हाथ गलत तरफ नहीं जाएगा, कदम गलत तरफ नहीं उठेंगे, नज़रें गलत चीज़ नहीं देखेंगी, बर्दाश्त करेंगी, तो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था अपने आप निर्माण होगी, और उस न्यायपूर्ण व्यवस्था से आप व्यक्ति की चेतना की शक्ति और समाज को रचने की शक्ति में भी प्रभाव कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में योग के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है, जैसे राजयोग यानी कि अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग एवं ज्ञान योग आदि। योग के मुख्य चार प्रकार हैं, राजयोग या अष्टांग योग, योग का ये प्रमुख प्रकार है। इसे अष्टांग योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। इसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। कर्म योग, यह योग का दूसरा प्रकार है। कर्म योग का अर्थ है वर्तमान में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म हमें भविष्य में कैसा परिणाम देंगे, ये हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। अगर आज वर्तमान में हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में भी हमें परिणाम सुखद प्राप्त होते हैं। भक्ति योग, ये योग भक्ति के मार्गों का वर्णन करते हैं एवं हमें भक्ति की ओर बढ़ाते हैं। ज्ञान योग, सबसे कठिन योग है ये,
क्योंकि ध्यान के मार्ग पर चलना हर किसी के बस में नहीं होता। इसके लिए संयम और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह सबसे कठिन योग की श्रेणी में आता है। इस योग को ऋषि महर्षि चुनते हैं एवं इसके मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने के आह्वान के पीछे प्रकृति से प्रेम की भी सोच थी। दरअसल 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और समझा जाता है कि इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। इस दिन सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। इस दिन को किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि प्रकृति को ध्यान में रखकर चुना गया है। योग की परिभाषाएं चाहे जितनी भी हों, अर्थ सबका एक समान निकलता है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 4 साल पूरे होने पर पूरे विश्व में कितने बदलाव देखने को मिले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 4 सालों के सफर पर हमारा यह खास कार्यक्रम। देहरादून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चुना गया है। भावना, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। बिल्कुल सही कहा प्रीति, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में अपना फिटनेस वीडियो जारी किया है और ये काफी प्रेरणादायी लग रहा है। तो क्यों ना दर्शकों को भी इससे रूबरू कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 यानी कि इंटरनेशनल योगा डे 2018 21 जून को पूरे भारत में मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस साल देहरादून में होगा। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। कर्टेन रेजर के तौर पर प्रधानमंत्री का फिटनेस वीडियो पहले ही जनता के सामने आ चुका है। पीएम मोदी वीडियो में तरह तरह के योगाभ्यास कर रहे हैं। हालांकि वीडियो में पीएम मोदी को देखकर लग रहा है कि ये उनके रूटीन लाइफ का हिस्सा है। बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि जब एक देश के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सुख का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का, उनके अच्छे भविष्य का वो दायित्व है, तो उनको स्वयं भी स्वस्थ रहना होगा अगर देश को स्वस्थ रखना है तो। और जो प्रधानमंत्री 24 घंटे में से कम 18-20 घंटे काम करते हों, विश्व के हर देश को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हों, भारत को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ योग करके उसको नहीं भूलते जहाँ पर उनको अपने आप को भी स्वस्थ रखना है, मानसिक शारीरिक तौर पर भी रखना है। मुझे लगता है बड़ी बात है अगर देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो, हम सबके लिए तो प्रेरणा है। योग दिवस से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मोदी ने कहा कि अपनी रोजमर्रा के कामों को पूरी सक्रियता और परिश्रम से करना भी योग का एक हिस्सा है। विश्व भर में ज्यादा से ज्यादा लोग योग को अपना रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, योग सबके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि योग सरल है, सहज है और सर्वसुलभ है। योग भारत के ऋषि मुनियों की महान परंपरा की विश्व को महान देन है, विश्व को दिया गया एक अनमोल उपहार है। आज हमारी चुनौती है प्रशिक्षित योग शिक्षकों को तैयार करना, जो योग के प्रति इस लगाव और उत्साह को सही मायने में आगे बढ़ा सके और विशेष रूप से युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित कर सके। आप सब
योग प्रेमियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में ही नहीं विदेश में भी विश्व योग दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका में कैपिटल हिल के साथ साथ कई ऐतिहासिक स्थलों पर सैकड़ों योग प्रेमी योगासन के लिए इकट्ठा हुए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस हफ्ते तय किए कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत हुई। This is a thought process which is catching on. It's something which is a solution to the stresses of modern life. It's something which builds bonds. It's something which shows you the commonality of humanity. So I think this is something which the world needs, and it's very timely. भारतीय महावाणिज्य दूतावास की ओर से योग दिवस की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे गवर्नर्स आइलैंड और मैनहट्टन स्काईलाइन में लोग जमा हुए। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत में लेट योगा गवर्न योर लाइफ नाम से 2 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजिंग में भी शंघाई सहयोग संगठन ने अपने मुख्यालय में योग सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में कई आसनों के साथ साथ योग से जुड़े स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। भारत के एक योग प्रशिक्षक ने कार्यक्रम का आयोजन किया। अब तक के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों में उत्साह देखते ही बनता है। सभी योग दिवसों का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में किया गया। पहले योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ पर हुआ। 21 जून 2015 को दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जबरदस्त तैयारियों के साथ मनाया गया। इस दिन दिल्ली के राजपथ का दृश्य अद्भुत था। पूरा राजपथ योगाभ्यासियों से भरा हुआ था। एक साथ एक मुद्रा में हजारों की संख्या में लोगों के योग करने से पूरे वातावरण में एक सकारात्मक शांति महसूस हो रही थी। इस दिन राजपथ पूरी तरह से योग पथ में परिवर्तित हो चुका था। जब से यूएन ने सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाने का वो रेजोल्यूशन पारित किया गया, उसके बाद से दुनिया भर में इसके प्रति उत्सुकता, अवेयरनेस और इसका अपटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जब हम गए थे तो वहाँ पर सारे राष्ट्र ने आयोजित किया और बाकी सब राष्ट्रों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। पूरी दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन एक साथ सामूहिक तौर पर करोड़ों की तादाद में लोग योग को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। और इससे एक जो हमारी जो सॉफ्ट पावर है देश की, वो भी दुनिया को विदित हो रही है और उससे भारत का नाम बहुत गौरवान्वित हुआ है। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर इस दिन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बने। पहला यह है कि इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और देश के गणमान्य लोगों सहित विश्व भर के 36,000 प्रतिभागियों ने एक साथ 35 मिनट तक योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। वहीं दूसरा, पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 84 देश आधिकारिक रूप से इस योग महाउत्सव में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून 2016 को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगुवाई चंडीगढ़ में की। चंडीगढ़ में ही प्रधानमंत्री ने मौजूदा साल से योग पर बेहतर कार्य के लिए 2 अवार्ड की घोषणा भी की, एक अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड तो दूसरा राष्ट्रीय योग अवार्ड। चंडीगढ़ के अलावा दुनिया भर में भी लाखों लोग उस दिन योग के कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रशिक्षित लोगों की देखरेख में आसन और प्राणायाम किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ उससे पहले भी अमेरिका जैसे देश में या फिर ब्रिटेन में आप देख रहे थे बड़ी संख्या में लोग इसे अपना रहे थे, लेकिन वो एक अलग तबका था। अब इसे जनता तक, आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकारी तौर पर भी आयोजन होते हैं पूरे देश में, वो पूरी दुनिया में कई देशों में होते हैं। तो उन आयोजनों के जरिए जो आम जनता है वो जुड़ती है। और योग का तो मतलब ये है कि अपने अंतरात्मा में झांकना, उसे देखना
ये जो भारत की एक संस्कृति का हिस्सा बन गया था वो पूरी दुनिया को आज जोड़ रहा है। पिछले साल 28 मई को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से योग को लेकर एक विशेष अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हर परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ योग करें, मतलब दादा दादी या नाना नानी और नई पीढ़ी के बच्चों के साथ परिवार की तीनों पीढ़ियां एक साथ योग करें। पीएम के अनुसार योग दिवस के माध्यम से भारत बिखराव के शिकार रहे विश्व जगत को एक सूत्र में पिरोने में सफल हो रहा है। कल की सुबह योगमय होने वाली है क्योंकि पूरी दुनिया योग पर्व जो मनाने वाली है। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर एक साथ योग करेंगे। तो अगर आप भी अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं तो सोचिए मत, जुड़ जाइए। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। गांव गांव और शहर शहर में इसकी अलख जगाएं। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मानव को प्रकृति से जोड़ना, चित्त की वृत्तियों को सिकोड़ना। बस इतनी सी बात लोगों को समझाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आइए हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 4 सालों की एक झलक। नमस्कार।